ये चीज बताइए, आप जैसे मतलब आपके परिजनों में क्या हुआ था, किसकी मौत हुई थी, या आप किस रूप में प्रत्यक्षदर्शी थे, क्या है बताइए। यानी मैं उससे यानी प्रत्यक्षदर्शी हूँ, विक्टिम भी हूँ, और ये जब ये पूरा दंगा शुरू हुआ तो हमारी नजरों के सामने ही शुरू हुआ था। इसमें माया कोटनानी और डॉक्टर जयदीप पटेल, इन लोगों ने इस तरीके से मॉब को उकसाया था, और उसके बाद में फिर मॉब ने एकदम से वहाँ नरवड़ा गांव में मस्जिद पे और दरगाह पे अटैक किया, और बाद में पूरे मॉब ने हमारे मोहल्ले को जलाया और हम लोगों के मकानों को लूट गए, और अलग अलग जगह पे जो बागत की तरफ में थे वहाँ पर करीबन 11 लोगों को अलग अलग स्पॉट पे जलाया गया, और एक बहन थी मदीना, इसकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, उसके घर में करीबन 4 लोग मारे गए, उसे भी यानी उसका भी स्टेबिंग हुआ था, मगर उसको हम लोगों ने बचा लिया था। और फिर जब शाम का वक्त हुआ तो परिस्थिति और ज्यादा गंभीर हुई, तो हम सब लोग मिल के पुलिस स्टेशन में चले गए, तो पुलिस स्टेशन में तो पुलिस वाला कोई हाजिर नहीं, हम लोग पुलिस स्टेशन में गए, और तो पुलिस स्टेशन के बाहर भी यानी मौत था, हमें डर लग रहा था कि शायद हम पुलिस स्टेशन में भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये वाला पूरा परिस्थिति था। और दंगे के बारे में अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा जब 2002 में ये कांड हुआ हत्याकांड के बाद नरोड़ा पाटिया और नरोड़ा गांव में, तो इसके अंदर तभी यानी उसी वक्त पर यानी गुजरात सरकार ने समरी क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था, इसको चैलेंज करते हुए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया, और NHRC का पिटीशन भी था जी। तो उसी के चलते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रीओपन किया और SIT का गठन जी, बराबर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसने SIT ने वापस से करीबन 2008 में वापस से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन्होंने उसमें काफी सारे एविडेंस भी रखे, काफी सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट भी लिए, और माया कोटनानी, जयदीप पटेल समेत 86 अपराधियों के सामने कॉन्स्पिरेंसी 302, 307, 323, 138, 147 और दंगे की अलग अलग सेक्शन के आधार पर इनके सामने चार्ज फ्रेम किया गया, और इन केस 2012 में विटनेस होती जुबानी हुई, जो जुबानी चली, और करीबन 2018 में रिटन आर्ग्यूमेंट भी विटनेस की तरफ से यानी फाइल किया गया पक्ष की तरफ से, यानी इस तरीके का काफी लंबा अरसा रहा है। और नरोड़ा पाटिया के केस में जजमेंट आना, तब की पॉलिटिकल सिचुएशन और आज की पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि क्योंकि इस केस के अंदर जितने भी करीबन 115 से ज्यादा जो चश्मदीद गवाह है जिन्होंने जुबानी दी है, और हमारे नरोड़ा गांव के केस में एक सिंगल विटनेस ऐसा नहीं है आई विटनेस के जो हॉस्टाइल हुआ हो, अच्छा कोई भी हॉस्टाइल नहीं हुआ, कोई मतलब पीछे नहीं हटा, कोई हॉस्टाइल नहीं हुआ, और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, शायद कुछ लोग यानी वक्त ज्यादा गुजर जाने के हिसाब से 2 या 4 लोग कुछ अक्यूज्ड को शायद नहीं पहचान पाए होंगे, बाकी 100 से ज्यादा विटनेसों ने अक्यूज्ड को नाम जो उसको आइडेंटिफाइड किया है कोर्ट में, उसका रोल दिखाया है, इसके अलावा आशीष छेत्रम का स्टिंग ऑपरेशन जो दुनिया के सामने है 2007 में जो आया था आज तक में जी जी, वो भी इसके अंदर यानी एक एविडेंस है। तीसरा कि इन लोगों के मोबाइल फोन लोकेशन वो भी उसके अंदर यानी वो इस घटना को समर्थन करता है और उनकी हाजिरी पुरवार करता है, तो ये सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए इस तरीके से ये पूरा जजमेंट को मैनेज किया है पॉलिटिकली तरीके से, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। ये कितने विटनेस है, कितने विटनेस है टोटल? 115 उससे ज्यादा थे, मगर अभी एग्जैक्टली मुझे उसका नंबर क्या जी 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 मगर ये हैरत कर देने वाला
फैसला है, क्योंकि न्याय की उम्मीद में हम लोगों ने 21 साल निकाल दिए और उसके बाद में भी मिला तो क्या कर, तो फिर अगर इनको करना ही था तो पहले ही इन्होंने समरी रिपोर्ट भर के बंद कर दिया था, उसको रीओपन करने की जरूरत ही कहाँ था। तो यानी फैसला तो इन लोगों का पहले से तय था जी, मगर ये पूरा का पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए पूरा प्रोसेस किया गया और बाद में यानी फैसला हुआ। जो कि मैं इस तरीके को यानी मैं फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इस तरीके के फैसले जो है वो हमारी न्यायपालिका जो है इसके ऊपर से लोगों का विश्वास कम करते हैं। और एक तरीके से दंगों के अंदर जो दंगाइयों ने जो भी पीड़ित पक्ष होगा उनको यानी पीड़ितों के साथ में जो भी नरसंहार या जो भी हुआ होगा हिंसा, तो उसको एक तरीके से ये समर्थन है, खुला समर्थन। अभी अभी आप क्या करेंगे आगे? आगे हम हाईकोर्ट में मूव करेंगे, अभी पूरा जजमेंट आने दीजिए, हम हाईकोर्ट में जाएंगे। अच्छा शरीफ जी, अब थोड़ा कुछ और डिटेल में मैं जाना चाह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और पटेल, उन लोगों को आपने क्या अपनी आंखों से देखा था, लोगों को उकसाते हुए और दंगा के लिए प्रेरित करते हुए? ये बिल्कुल, क्योंकि मेन कॉन्स्पिरेटर ही वही लोग हैं, माया कोडनानी और जयदीप पटेल। तो जब आप जहाँ खड़े थे, कहाँ ये लोग खड़े थे, कुछ उस रूप में बता सकते हैं अभी? हाँ, नरोड़ा गाँव में मुख्य जो बाजार है, कॉरपोरेशन का ऑफिस है, उसके बाहर मेन रोड पे ये लोग खड़े थे। नहीं, हम लोग एक साइड में खड़े थे, वहाँ मोब भी खड़ा था, इन लोगों की राह दिख रहा था। दो अलग अलग जगह से, अलग अलग रोड से गाड़ी आई, इतने से माया कोटनानी, इतने से जयदीप पटेल निकले, फिर इन लोगों ने मोब को उपसाया, उसके बाद में दंगा स्टार्ट हुआ। अच्छा, और उसमें फिर जो है इलाके पर हमला किया मोब। हाँ, उसमें व्यक्तिगत तौर पे आपके घर का क्या नुकसान हुआ, किस रूप में जान माल के तौर पर? 110 परिवारों के मकानों को लूट लिया गया और जला दिया गया।